नमस्कार। वर्ग 8 के चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप्स अर्थात त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन, जेसीआरटी के किताब से प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं, और ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। प्रश्न संख्या 1। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां हमें दो चीज निकालना है, एक पार्श्व क्षेत्रफल और दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए एक-एक करके निकालते हैं। प्रश्न संख्या 1 का ए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्श्व क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, इसका टू टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जहां एल है लंबाई, बी है चौड़ाई और एच है ऊंचाई। तो ये 2 गुना एल है 10 और बी है 8 और ये एच है गुना 6, तो ये हो गया 2 गुना 18 गुना 6, और इसे आप गुना करेंगे तो ये आता है 216 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई। फिर से एक बार फॉर्मूला देख लें, 2 गुना और ये ब्रैकेट में लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। तो यहां लंबाई हमारा है 10 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई है 8 और ये है चौड़ाई, फिर 8 गुना ये ऊंचाई है 6 जोड़ ये 10 गुना 6, अर्थात ये हो गया 2 गुना 80 और ये 8 6 48 जोड़ 60, तो ये हो गया 2 गुना 188। अब जोड़ें 8 6 4 10 और 8 18, तो ये हमारा आ गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ठीक इसी तरह से इसका प्रश्न संख्या बी बना सकते हैं, ये आप स्वयं से बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2। घन का पार्श्व एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका ए नंबर, सबसे पहले घन का पार्श्व क्षेत्रफल, तो ये होता है 4L स्क्वायर। ये L है भुजा, तो ये है यहां A नंबर में भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 × 5 का स्क्वायर यानी 4 गुना 25 यानी
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 6L² यानी 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुना L हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये 6 गुना 25 अर्थात 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक और प्रश्न बना दे रहा हूं, ये प्रश्न संख्या D। B और C आप स्वयं बनाएंगे। तो D में घन का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर 4L² अर्थात 4 × L है 1.2 L अर्थात भुजा स्क्वायर, तो ये 4 गुना, और 1.2 × 1.2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.44। तो इसका हमारा आप गुना करें तो गुना करके क्या आएगा, देखिए 4 × 16 का 6 हाथ में रहा 1, 4 × 16 और 1 × 17 का 7 हाथ में रहा 1, ये दशमलव पहले आ जाएगा, 4 का 4 और 1 5 अर्थात 5.76 मीटर स्क्वायर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला है 6L², तो ये 6 गुना L हमारा है 1.2 L अर्थात भुजा स्क्वायर, तो ये 6 × 1.44, तो ये हमारा आ जाएगा 8.64 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है, बेलन का वक्र पृष्ठीय तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए इसका पहला नंबर बनाते हैं, ए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो अब इसका मान बैठाते हैं, 2 गुना पाई का मान हम जानते हैं होता है 22/7, और आर दिया हुआ है 7 और एच है 20, तो ये 7 और 7 कट गया, और इसे हम गुना करेंगे तो ये 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है हमारा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πR×R+H। तो यहां पर हम देखेंगे कि 2×22/7 × 7 और ये गुना आर हमारा कितना है, 7 है और एच है 20, तो अब ये आ जाएगा हमारा, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो 2 × 22 सॉरी 22×27, इसे आप गुना करें तो ये गुना करने के बाद आएगा आपका 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए,
यहां 3.5 मीटर है त्रिज्या और यहां है ऊंचाई 1.4। तो कुछ लोगों को हो सकता है ये दशमलव वाला गुना और दशमलव वाला ये जो जोड़ है वहां परेशानी आ सकती है। तो इसका एक उपाय है कि आप इसे ऐसा करें, 3.5 को 35/10 लिख लें और इसे लिख लें 14/10। तो आप आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये सी नंबर देखिए, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला में तो त्रिज्या है, तो हम इसका त्रिज्या पहले निकाल लेंगे। तो ये त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा दो, अर्थात 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। ये पहले आप निकाल लें। तो अब आसानी से आप इस तरह से बना सकते हैं। अब डी नंबर मैं देखता हूं। तो डी नंबर में यहां पर मैं बना रहा हूं डी नंबर, डी नंबर में आप देखें कि आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो चूंकि आधार की परिधि बराबर 88 दिया हुआ है और हम लोग आधार की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई आर इसकल टू 88। तो इससे हमें क्या मिलेगा, आर इसकल टू 88/2 पाई अर्थात 88/2 × 22/7। तो ये हो जाएगा 88/2 × 22 और ये जो नीचे वाला 7 है ना ये यहां आ जाता है। तो अब ये 22 से ये 88 काटेंगे तो 4 बार में जाएगा और 2 से ये 2 बार में, तो ये हो गया 7 × 14 सेंटीमीटर। हमारा आर निकल गया है। अब आर निकल गया है तो जिस तरह से हमने फॉर्मूला में बैठाया था पहले उसी तरह से फॉर्मूला में हम बैठा सकते हैं। और यहां एक चीज और ध्यान देंगे कि यहां ये 2 पाई आर है तो ये तो परिधि दिया हुआ है, हम डायरेक्ट बैठा सकते हैं। देखिए यहां पर पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई हम सीधे यहां पर बैठा देंगे, 2 पाई आर 88 और एच बैठा देंगे 25 और इसे जब आप गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2200, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला हमारा है 2 पाई आर × r + h। तो यहां 2 पाई आर में सीधे आप 88 बैठा देंगे और इसके बाद यहां r हम निकाल चुके हैं 14 सेंटीमीटर और h हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन आप स्वयं से करें। आशा है कि इतनी हिंट देने के बाद आप इसमें जितने भी प्रश्न हैं जिन्हें मैंने नहीं सॉल्व किया है आप स्वयं से सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।